बढ़ते हैं शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार। फिलहाल मार्केट में हल्की सी बिकवाली देखने को मिल रही है, निफ्टी 91 अंक नीचे है, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो कंपैरेटिवली कम है, 91-92 अंकों का कट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए इंडेक्स पर फिलहाल? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें आशीष जी, तो लास्ट 2-3 सेशंस की जो मूव्स हैं उनमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस निकल कर आती हैं आशीष जी। देखिए आशीष जी, स्पेशली कल और आज के सेशन में, जहां कल निफ्टी ने नीचे के लेवल से तकरीबन 19500 के पास से अच्छा सपोर्ट लेते हुए रिकवरी दिखाने की कोशिश जरूर की, बट आज कल की रिकवरी को बाजार ने पूरी तरह से नलीफाई कर दिया आशीष जी, कल की रिकवरी के पूरे इम्पैक्ट को खत्म कर दिया है। इनफैक्ट आज का जो निफ्टी का हाई है, जो निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया है स्पॉट में, वो 19600 के पास में किया आशीष जी। इसका मतलब आशीष जी कि अब निफ्टी जब तक 19600 से ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक हमें बिल्कुल निफ्टी के अंदर बुलिश व्यू नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट यहां से हमें इस मोमेंटम के अंदर अभी भी एक 100 से 150 पॉइंट का फर्दर करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है आशीष जी कि निफ्टी के अंदर हम एक पुट ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करके चल सकते हैं। यहां पर देखिए आशीष जी, निफ्टी में हमें 26 अक्टूबर की जो मंथली एक्सपायरी है उसमें 19450 वाले पुट ऑप्शन को हम बाय करके चल सकते हैं। इसका प्राइस करीब 62-63 रुपीस के आसपास में अभी चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 35 रुपीस पर एंड हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 110 का, सेकंड टारगेट 125 तक का। राइट, 19450 की जो पुट ऑप्शन है 64 रुपए के करीब मिल रही है, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। फिलहाल सेटअप नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप करेंगे फोकस। सर इसके अलावा कोई और आइडिया आज के लिए? बिल्कुल आशीष जी, बैंक निफ्टी पर भी मैं प्लीज अपना व्यू देना चाहूंगा कि देखिए आशीष जी, बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी स्ट्रेंथ जरूर दिखाई देती है। नीचे में बैंक निफ्टी के पास 43600 पर एक अच्छा सपोर्ट है, बट एट द सेम टाइम ऊपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 43800 का, जहां पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए 200 पॉइंट्स की जो रेंज है वो एक वेट एंड वॉच की टेरिटरी है। इस रेंज से बाहर निकलने पर ही हमें बैंक निफ्टी में अग्रेसिव पोजीशंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर बैंक निफ्टी में लेवल्स आपको क्लोजली वॉच करने होंगे, जब इधर साइड निकलेगा तब यहाँ पर फोकस करके चलना चाहिए। सर स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन है आज के लिए? जी आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं, पहला है टाटा स्टील, यहाँ पर हमें शॉर्ट करना है, सेल करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत वीक दिखाई देता है। लगातार पिछले कुछ समय से, लगातार तकरीबन एक महीने से ही इस पूरे सेक्टर में हम थोड़ा वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं। आज भी इस स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिखाया आशीष जी, तो मुझे लगता है कि वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। टाटा स्टील के अक्टूबर फ्यूचर्स को हम सेल करके चल सकते हैं, अभी 123.5-123.6 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा 126 पर एंड हमारे टारगेट होंगे 118-116 तक के। सेकंड स्टॉक है आशीष जी, गोदरेज कंज्यूमर, यहां पर हमें बाय करना है, लॉन्ग करना है, क्योंकि इस स्टॉक में देखिए आशीष जी, आज के सेशन में भी एक ओपन लो का जो चार्ट पैटर्न होता है, कैंडल पैटर्न होता है, वो बना है, यानी कि स्टॉक का ओपन और लो सेम था। जहां से स्टॉक ने ओपन किया वहीं से एग्जैक्टली बढ़ना शुरू कर दिया और 980 के आसपास इस स्टॉक को एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बाजार में गोदरेज कंज्यूमर्स हमारे लिए बहुत अच्छी लॉन्ग पोजीशन का काम कर सकता है। गोदरेज कंज्यूमर्स को हम बाय करके चल सकते हैं, अभी 991 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 979 पर एंड हमारे टारगेट होंगे 1020-1030 तक के। बिल्कुल, तो टाटा स्टील यहां पर करनी है आपको बिकवाली, 123-124 रुपए का भाव, 118-116 रुपए के टारगेट्स यहां पर देखने को मिलेंगे, नीचे की तरफ 126 रुपए का स्टॉप लॉस है। और GCPL यहां पर आपको करनी है खरीदारी, 990 का भाव, 1020-1030 ये दो टारगेट्स हैं और 979 रुपीस का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए।